दोस्तों, फिलीपींस के मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि वैसे तो इंडियंस का प्रोनंसिएशन ठीक होता है, लेकिन वो लोग वी और डब्ल्यू के प्रोनंसिएशन में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जब मैंने इस बात पे थोड़ा सा गौर किया तो मुझे लगा कि उसकी बात सही है और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बना देनी चाहिए जो वी और डब्ल्यू के प्रोनंसिएशन को अच्छी तरह से एलेबोरेट कर सके, अच्छी तरह से उसमें फ़र्क बता सके। वैसे जितनी भी नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्रीज़ होती हैं, उनके जितने भी सिटीजन्स होते हैं, उन सब के प्रोनंसिएशन में नेटिव स्पीकर्स के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ खामियां तो ज़रूर होती हैं। हमारे यहाँ ये खामी होती है कि हम टी एच वाला साउंड सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जैसे हम लोग थिंक कहते हैं जबकि थिंक होता है थिंक। उसे मैं किसी और दिन बता दूंगा। वी और डब्ल्यू के प्रोनंसिएशन में भी हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि सिखा कर ही जाऊँगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वी एंड डब्ल्यू प्रोनंसिएशन। कहने को तो वी और डब्ल्यू दोनों वे की आवाज़ देते हैं, बट देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जैसे इन वर्ड्स को देखिएगा, एक डब्ल्यू से लिखा है और एक वी से लिखा है। जो डब्ल्यू से लिखा है उसे पढ़ा जाता है वेस्ट वेस्ट वेस्ट, जो वी से लिखा है उसे पढ़ा जाता है वेस्ट वेस्ट वेस्ट। आप महसूस कीजिए, डब्लू पूरे मुंह के साथ प्रोनाउंस होता है, दोनों होठों को गोल करना पड़ता है, तब हम डब्ल्यू वाले वे को प्रोनाउंस करते हैं वेस्ट वेस्ट वेस्ट। वी हम यहाँ से प्रोनाउंस करते हैं वेस्ट वेस्ट वेस्ट। अगला कपल देखते हैं विल विल विल, जो W से होगा उसे हम पढ़ेंगे विल, मुंह को गोल करके पढ़ेंगे, दोनों होठों को पूरा यूज में लाएंगे और फिर पढ़ेंगे विल विल विल। जो V वाला विल है उसे हम पढ़ेंगे विल विल विल। हिंदी में जो व का प्रोनंसिएशन होता है वही इंग्लिश में V का होता है। नेक्स्ट कपल इज W I N E एंड V I N E, वाइन वाइन वाइन। अब वी वाले को पढ़ता हूँ वाइन 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 वाइन। डब्ल्यू ई ए एल वी ई ए एल, व्हील व्हील व्हील, ये डब्ल्यू से है। अब वी वाला देखिए व्हील व्हील व्हील। इन वर्ड्स के मीनिंग के लिए आप किसी डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं, फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्रोनंसिएशन बता रहा हूँ। डब्ल्यू वाला प्रोनाउंस कर रहा हूँ विम विम विम। अब वी वाला प्रोनाउंस कर रहा हूँ विम विम विम। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ अलग एग्जाम्पल्स और देख, वरी डोंट वरी, वाई आर यू वरिंग, वरी वेरी वेरी वरी वाले वर्ड्स प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ। वाई वेन वॉट वेयर, वाई वेन वॉट वेयर। अब वी वाले देखिए वेरी वेराइटी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, वेरी वेराइटी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन। इस तरह से W और V के प्रोनंसिएशन में एक डिफरेंस होता है जो आज मैंने आपको एलेबोरेट करके दिखाया है। अब थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और इसे बोलते रहिए। स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रोनाउंस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आप नेटिव साउंड भी करेंगे और आपका फ्लो भी अपने आप ही बन जाएगा। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।